आज नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो आज बुधवार के दिन नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर जहां सोने चांदी के अंदर खरीदारी लौटी है तो वहीं कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें गिरावट भी देखने को मिली है, जहां नेचुरल गैस फिसलती हुई नजर आई है और कच्चे तेल में भी आज हल्की गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की। दरअसल सोने और चांदी के अंदर अभी भी कीमतें जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बाजारों को कोई भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार 1740 डॉलर से लेकर 1780 डॉलर के बीच में ही मार्केट खड़ा है। तो ऐसे में सोने और चांदी के अंदर माना जा रहा है कि निचले स्तरों पर एक बार फिर से तेजी का सर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सोना एक बार नए स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है और चांदी में भी वापिस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। दरअसल त्योहारी सीजन की मांग निकलने की उम्मीद घरेलू बाजारों में बनी हुई है, लेकिन इन स्तरों पर फिलहाल खरीदारी कम होती दिखाई दी है। दूसरी तरफ डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती दिखाई दी है, यूएस की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ है, उस वजह से सोने और चांदी की कीमतें उठ नहीं पा रही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अगर सोना 1780 डॉलर के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 1800 डॉलर तक जल जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 23 डॉलर से लेकर 24 डॉलर के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। और घरेलू बाजारों की बात की जाए, आज इंट्राडे की अगर बात करें तो आज चांदी 47,000 से, सोने की अगर बात करें तो सोना आज 47,000 से लेकर 47,400 तक ऊपर जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी नीचे में 61,500 से लेकर ऊपर में 62,200 तक के स्तर खा सकती है। वहीं सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। सोना अगर नीचे में 47,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर चांदी भी नीचे में 61,400 के आसपास आती है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए 61,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 62,000 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है कि चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चांदी के बाद अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल में भी जो तेजी है वो आज थमती हुई हल्की दिखाई दी है घरेलू बाजारों में, लेकिन विदेशी बाजारों में भी हल्का लाल निशान है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव 80 डॉलर के ऊपर। टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कच्चे तेल के अंदर फिलहाल तेजी का ही दौर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें अच्छा उबाल लेती हुई नजर आ सकती हैं। जिस तरीके का मार्केट का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल में आगे भी अंदेशा दे रहे हैं कि तेजी जारी रह सकती है। MCX पर कच्चे तेल की कीमतें 6,000 रुपए के ऊपर बनी हुई है। दरअसल जो डिमांड फैक्टर है वो अहम रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा तेल कंटिन्यूशन में तेजी दिखा सकता है। बढ़ता ग्लोबल एनर्जी संकट, यूरोप एशिया में बड़ी कीमतें और कोयला और नेचुरल गैस की कमी से क्रूड को ज्यादा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। ऐसे में काफी जगहों से रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि आगे चलकर क्रूड की मांग और बढ़ेगी और क्रूड की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं, ऐसा मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है। और नेचुरल गैस में जो कमी देखने को मिल रही है वो भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कच्चा तेल अगर आज नीचे में लुढ़कता है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। 6,000 के आसपास कच्चे तेल में बाई किया जा सकता है, एक्सपायरी बेहद करीब है, लेकिन कच्चा तेल 6120 के आसपास की एक्सपायरी दिखा सकता है। तो बहरहाल कच्चे तेल के अंदर भी खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। कच्चे तेल के बाद अगर बेस मेटल्स की बात करें तो विदेशी बाजारों में बेस मेटल भी संभलते हुए दिखाई दिए हैं। निकल जो कल गिरावट दिखा रहा था आज हल्के हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर भी जो हमने टारगेट दिया था 740 का, उसके बेहद करीब है, 736 रुपए 90 पैसे का हाई लग चुका है। तो कॉपर भी आज उम्मीद की जा रही है कि 740 का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। कॉपर के साथ आज निकल भी 1500 के पार जा सकता है, 1480 पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर जिंक की बात तो जिंक भी 270 के जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो बेस मेटल्स में लगातार इसी बुलेटिन के माध्यम से आपको बताया जाता है कि बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए और आप देखिए लगातार बेस मेटल्स बाइंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब गिरावट आए, गिरावट में खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। अभी निकल जो है 1520 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। कॉपर के अंदर भी 740 से 742 के टारगेट के लिए बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। वहीं जिंक की बात करें तो 268 से लेकर 272 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज इंट्राडे की बात की जाए तो आज इंट्राडे के अंदर बेस मेटल्स के अंदर कमाई के मौके ढूंढने चाहिए। बेस मेटल्स के अंदर कॉपर और निकल, इन दोनों कमोडिटीज के अंदर बाय करके चला जा सकता है। वहीं गिरने पर कच्चे तेल के अंदर भी खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है।